हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज के वीडियो में हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल बनी हुई है और एक ग्रीन कैंडल ने उसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो नीचे वाले में आप देखेंगे जहाँ पर ये एक चैनल बना हुआ है, चैनल के अंदर डाउन ट्रेंड था और उसके बाद में एक रेड कैंडल को पूरी तरह ग्रीन कैंडल ने कवर किया और फिर उसके बाद अपसाइड। ठीक है, थर्ड इमेज में भी सेम, एक स्मॉल रेड कैंडल को एक लार्ज ग्रीन कैंडल ने कवर किया और उसके बाद अपसाइड। ठीक है, तो ये क्या है कि एक डाउन ट्रेंड में बनता है ये पैटर्न, और इसकी रेड कैंडल जो फॉलोड बाई होगी वो लार्ज ग्रीन कैंडल होगी, और प्रीवियस डे कैंडल जो होगी वो कम्प्लीटली ओवर शेडोड हो जानी चाहिए, यानी ग्रीन वाली उसको पूरी तरह से कवर करनी चाहिए। और अगर एनगल्फिंग डे पे लार्ज वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम अच्छा होता है, तो ये उसके पैटर्न के चांसेस और स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर नेक्स्ट डे गैप अप होती है, पैटर्न बनने के बाद गैप अप हो जाता है मार्केट, तो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है।